हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है अब अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट में या क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और अगर सॉल्यूट रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी में परजेंट होता है तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो देखिए कॉलिगेटिव वर्ड लैटिन से लिया गया है जिसमें को का मीनिंग होता है टूगेदर और लिगेर का मीनिंग होता है टू बाइंड अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो सॉल्यूट के केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब एक और डेफिनेशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट के नॉन वॉल्यूम में डिजोल्व सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं मीन्स सॉल्यूट का केमिकल कंपोजिशन क्या है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस पर वो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं अब किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती हैं या हम कह सकते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूशन में प्रजेंट सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब स्टडी की जाती है तो उस टाइम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूज किया जाता है अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं तो मेन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये चार होती हैं जिसमें पहली हो जाएगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दूसरी हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर तीसरी हो जाएगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और चौथी हो जाएगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के यूजेस की बात करें तो इसका यूज जनरली किसी भी सब्सटेंस का मॉलिकुलर डिटरमाइन करने में किया जाता है अब देखते इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए अगर हम दो ऐसे सोल्यूशंस की बात करें जो कि डिफरेंट कंपोनेंट से बने हुए हैं लेकिन इन सॉल्यूशंस में अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो उन सॉल्यूशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी मींस हम कह सकते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है अब इसको समझने के लिए हम एक टू कंपोनेंट सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए हो जाएगा सॉल्वेंट और बी हो जाएगा सॉल्यूट अब देखिए जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मीन्स डब्ल्यू यहां पर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम यहां पर मॉलिकुलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह से सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ये हो जाएगी अब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और ये हो जाएगा सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो यहाँ पर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देंगे अब यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेचर पर डिपेंड करती है मीन्स यहाँ पर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का नेचर कंसिडर कर सकते हैं अब यहाँ पर अगर हम एन ए और एन बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन वन की हेल्प से हम इनमें से किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बाकी सारी वैल्यूज नोन होनी चाहिए